नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और खबरों का रुख करेंगे। देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून बनाने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्टूबर आखिरी तक लागू हो सकता है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट बनाने का काम लगभग 50% तक पूरा हो चुका है। यूसीसी की नियमावली बनाने का काम पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्य समिति कर रही है। एक्ट के तहत विवाह और लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा भी होगी। इसके लिए वेबसाइट और पोर्टल बनाने का 70% काम पूरा हो चुका है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कब तक माने कि यूसीसी को लागू किया जाएगा प्रदेश में? जी सर, देखिए, उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिर तक यूसीसी जो कानून है वो लागू हो सकता है। जिस तरीके से धामी सरकार ने प्रदेश में जो समान नागरिक संहिता है इसकी नियमावली बनाने का काम जो है वो चल रहा है, और अभी 2.5 महीने का जो है समय इसी की नियमावली बनाने में जिससे जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे जो है लागू करने में वो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए पंचायत और निकाय स्तर पर कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है उसकी आवश्यकता होगी और उसके लिए जो है उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा इसमें समय लग सकता है। हालांकि जिस तरीके से यूसीसी के जो नियमावली बनाई जा रही है उसका कार्य जो है 50% तक पूरा हो चुका है, और इसी के साथ साथ ही विवाह और लिविन में रहने वालों के लिए जो पंजीकरण अनिवार्य किया गया है इसे ऑनलाइन भी कराया जा सकेगा। इसके लिए वेबसाइट और पोर्टल बनाने का काम भी जो है 70% पूरा हो गया है। ऐसे में घर बैठकर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में इसमें थोड़ा जो है वो समय लग रहा है, और ऐसे में अभी माना जा रहा है कि अक्टूबर माह तक जो है यूसीसी प्रदेश में लागू हो सकता है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में जो है यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट जो है तैयार करने के लिए समिति बनाई गई है, और 9 सदस्यों की समिति है, और इसको लेकर पूरी जो है नियमावली ये समिति तैयार कर रही है। तो यानी कि आने अगले 1 से 1.5 या 2 महीने में जो है इसका नियमावली पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, और उसके बाद जो है निकाय और पंचायत के स्तर के जो कर्मचारी है उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो ऐसे में अक्टूबर माह तक माना जा रहा है कि यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हो सकता है। अरुण, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 2022 के विधानसभा इलेक्शन से ही ये बात कह रहे थे कि उत्तराखंड में वो यूसीसी लागू कराएंगे, दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहा था कि अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड से बाहर जो है जैसे उनके साथ संबंध होंगे तो कैसे होंगे, तो कई तरह के विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था। तो ऐसे में अब जद्दोजहद में ये जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि अक्टूबर तक ये लागू हो सकता है, तो भी किस तरह की चर्चाएं हैं? जी विशाल, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूसीसी है, यूसीसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि यूसीसी जो है वो प्रदेश से बाहर रहने वालों के लिए जो है लागू नहीं होगा, जो उत्तराखंड के लोग प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन पर किस तरीके से ये लागू होगा या उन पर कैसे लागू होगा ये भी सवाल है। और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसे देश भर में लागू किया जाएगा, तो यानी ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर देश में यूसीसी का कानून आता है तो उसके हिसाब से फिर उत्तराखंड राज्य का अलग कानून होगा, या देश के साथ ही जो है यूसीसी का उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू होगा जो देश भर में लागू होगा, तो ऐसे में फिर इसका जो ये उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू हो रहा है इसका मान्यता रहेगी या फिर इसकी इसे जो है वो रद्द किया जाएगा, इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं, और लगातार विपक्ष भी इन सवालों को उठाने का काम कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो इसकी नियमावली बन रही है, नियमावली में किस तरीके के कानून बनते हैं, क्या कुछ उसमें एक्ट आते हैं, ये आने जब यूसीसी का ड्राफ्ट लागू होगा और जो नियमावली का ड्राफ्ट है जो वो आएगा उसके बाद इस पर होगा कि किस तरीके के कानून इसमें लाए गए हैं। और ऐसे में जो है अभी देश में अगर यूसीसी लागू होता है, देश में यूसीसी आता है, तो फिर उसके बाद किस तरीके के कानून रहेंगे, ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय में देखने वाली बात। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस बार मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, लिहाजा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। दावा है कि बाढ़ और जलभराव के मद्देनजर 228 संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए,
मौसम विभाग ने पहले ही उम्मीद जता दी है कि इस बार मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। मंत्री के दावे हैं, लिहाजा सवाल भी हैं। तैयारियां तो हर एक साल होती है, लेकिन जब वक्त आता है तो सारी तैयारियां धरी के धरी रह जाती हैं। मानसून में उत्तराखंड जैसे राज्य में सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हर साल भारी बात नहीं है। कि जो मानसून है इस बार देश में जो है, पूरे कंट्री की जब बात करते हैं, तो इसमें जो है सामान्य से अधिक वर्षा जो है इस बार मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड में आप देखते हैं कि सामान्य से अधिक अगर यहाँ मिलती है तो, क्योंकि यहाँ का जो सामान्य वर्षा भी है मानसून की, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें भी अगर बढ़ोतरी है हायर साइड पे मिलती है, अबव नॉर्मल रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हमारी उसमें बढ़ती हैं। तो चाहे उसमें फिर जो लैंडस्लाइड्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती है, या फ्लैश फ्लड है, रिवर में वाटर लेवल बढ़ना टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ठीक है बताई गई है आगे प्रशासन को भी, तो जो लॉन्ग पीरियड प्लानिंग है या किस तरह से हमको मैनेज करना है, तो उस पर जो कार्य करना चाहिए वो बिल्कुल है, स्टेट गवर्नमेंट अपना देख रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही हुआ तो इस बार भी भारी नुकसान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार का दावा है कि बाढ़ और जलभराव की दृष्टि से राज्य में 228 संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है और इसके लिए सिंचाई विभाग की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि बाढ़ जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित 228 जगहों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों में 113 बाढ़ सुरक्षा चौकियां स्थापित की जा रही हैं, जो 15 जून तक सक्रिय होंगी। इतना ही नहीं, दावा है कि 13 जलाशयों और 14 नदियों की निगरानी की जाएगी। जी देखिए, बाढ़ और जल भराव की चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो बना ली गई है और जो कार्य योजना है उसको हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होगी हम लोग उसमें मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्षा काल के 4 महीने उत्तराखंड में बेहद चुनौतियों से कम नहीं। वर्षा काल में भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि जैसी घटनाओं के साथ ही नदियों में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान होता है। आबादी वाले इलाके में जलभराव की समस्या पैदा होती है। पिछले साल ही हरिद्वार में सोलानी नदी का तटबंध टूटने से भारी नुकसान हुआ था। इस बार वर्षा काल में जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाने की बात कही गई है। मॉनसून सर पर है और जो 228 स्थल हमने संवेदनशील चिन्हित किए हैं उसके लिए हमने बाढ़ चौकियां भी तैयार कर ली हैं। जैसे देहरादून में 47 जो स्थल हैं वो संवेदनशील हैं और उसके लिए 11 बाढ़ चौकियां हमने बनाई हैं, जो किसी भी आपदा को लेकर, किसी भी स्थिति को लेकर जो है सभी को इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगी। तो सरकार इसमें मजबूती से आगे बढ़ रही है। मानसून से पहले जिलों में की जा रही बाढ़ सुरक्षा चौकियों को लेकर कहा जा रहा है कि इससे किसी भी तरह के आपात स्थिति में स्थानीय लोगों को पहले ही जानकारी दी जाएगी, लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। चौकियों में तैनात कर्मचारियों के पास संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधानों समेत जन प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर भी होंगे ताकि आपात स्थिति की जानकारी दी जा सके। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाला राज्य है और मानसून बिल्कुल जो है निकटी है, और निश्चित तौर पर जो है बरसात के मौसम में जो है चारधाम यात्रा हो या पर्वतीय जनपदों में अन्य जो है यातायात हो वो प्रभावित होता है, और जगह जगह लैंडस्लाइड है, जगह जगह जो है अन्य प्रकार की जो है दिक्कतें आती हैं। और सरकार अगर समय रहते जो है बाढ़ सुरक्षा के उपाय हों या पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अगर उपाय करती है तो ये अच्छी बात है। सबसे ज्यादा देहरादून और उधम सिंह नगर में संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है, जबकि अल्मोड़ा में सबसे कम संवेदनशील जगह है। इसके साथ ही हरिपुरा, कोसी, तुमड़िया, ढेला, फीका, शारदा, गौला, नानक सागर, पशुलो, इछाड़ी, डाकपत्थर, आसन और भीम गौड़ा जलाशय और बैराज पर विशेष नजर रखने की बात कही गई है। अलकनंदा, काली, सरयू, गौरी, बेगुल, बौर, रामगंगा, गोमती, भागीरथी, पिंडर, टोंस, सोंग, गंगा और यमुना नदी के जलस्तर की हर एक दिन जानकारी दी जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन हमने पिछले वर्षों में देखा जिस तरीके से मैदानी जनपदों में, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर में जल भराव की समस्या से जो है आम जनमानस और जनजीवन जो है
प्रभावित हुआ और सरकार वहाँ पर जो है हाँपती हुई नज़र आई। और इस बार देखते हैं सरकार कितनी गंभीरता से जो है बाढ़ सुरक्षा के और जो है लैंड स्लाइडिंग के मामलों की रोकथाम के लिए उपाय करती है। तो निश्चित तौर पर ये तो सरकार की इच्छा शक्ति पर और दूरदृष्टि पर निर्भर करेगा कि केवल बयानबाजी तक जो है सरकार के उपाय सीमित रहते हैं या ये उपाय धरातल पर भी उतरते हैं और जनमानस को इसका बरसात के सीजन में लाभ होता है या नहीं होता, ये देखने वाला बात है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में मानसून के दौरान बादल फटने की अक्सर खबरें सामने आती है। स्थानीय लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं। हर एक साल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसे खोलने में विभाग के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस बार दावा है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल वहीं पर फंस जाता है कि हर एक साल महीनों पहले से ही तैयारी की जाती है, लेकिन जब मानसून सीजन में नुकसान की खबरें सामने आती है तो दलीलें दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रुड़की सिविल अस्पताल अक्सर अपने विवादों से चर्चा में बना रहता है। इस बार भी रुड़की सिविल अस्पताल का कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों ही उलझ कर रह गए हैं। हरिद्वार का रुड़की सिविल अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के धोई गांव निवासी गुलाब सिंह बीती 20 मई को अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए मंगलोर के गुरुकुल नारसन स्थित सीएससी सेंटर लेकर पहुंचे थे, जहां से उनको रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर 108 के माध्यम से रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर शाम के समय डिलीवरी के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने तीमारदारों से महिला को ये कहकर रेफर कर दिया गया कि दूसरा बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है और हमारे यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। पूरा मामला जी, मैंने सर दो अल्ट्रासाउंड करवाई थे, एक देवन डिगे जाने करवाया था जी, उसमें दो बच्चे बताए, फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी दो बच्चे आए जी, दो अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, एक 11-5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी, सर दो बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता चला, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी, उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। यहाँ परिजन 108 एम्बुलेंस की मदद से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहाँ पर डॉक्टर ने महिला के गर्भ में बच्चे का चेकअप किया तो बच्चा गर्भ में मौजूद नहीं मिला, जिसकी खबर डॉक्टरों ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों की होश उड़ गए। परिजन रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से दूसरे बच्चे के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद पीड़ित ने गंगनगर कोतवाली पहुंचकर मामले की तहरीर देकर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बच्चा कहां है उसे ढूंढने की भी मांग की है। शॉर्ट में एम्बुलेंस में लेगा जी, मुझे वहां से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी, क्या लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ देंगे तेरी घरवाली बाद में जाएगी, तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का। रुड़की सिविल अस्पताल की ऐसी कहानी कोई पहली बार नहीं है। अक्सर अस्पताल पर कुछ न कुछ गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस बार मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है, लिहाजा सीएमएस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कब जांच होगी और कब सच्चाई सबके सामने आएगी और कब कार्रवाई होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं कि सरकारी जांच कैसे होती है और क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा भी संभाला हुआ है। यात्रा में पुलिस की तैयारियों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरियाल से खास बातचीत की है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गढ़वाल पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किस बिंदुओं पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और आपकी जो पुलिस फोर्स है वो किस तरह से यात्रा कराने में जुटी हुई है श्रद्धालुओं की? गढ़वाल में 10 तारीख से चारधाम यात्रा आरंभ हो चुका है। लगभग 6,000 से अधिक हमारे पुलिस कर्मचारी और अधिकारी यात्रा को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। इसमें सिविल पुलिस के अतिरिक्त है आर्मर्ड पुलिस है, होमगार्ड है, PRD है
और यातायात पुलिस बड़ी संख्या में है, SDRF हमारे काम कर रही है, तैराक पुलिस है, PAC है, तो इस तरह से ये लगभग 6,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ हमारे पूरे चार धाम यात्रा में हमारे लगे हुए हैं। और धामों की सुरक्षा के लिए भी हर धाम में, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में मोर देन 200 स्टाफ है, वहाँ पर CEO डिप्यूट किए गए स्पेशली ये चार धाम के लिए। इसी तरह से यमुनोत्री गंगोत्री में भी एक CEO इंस्पेक्टर वगैरह चार धाम में रहते हैं, वहाँ धाम में रहते हैं और व्यवस्थाओं को देखते हैं। सर, मित्रता, सेवा, सुरक्षा, ये भाव से उत्तराखंड पुलिस भी काम करती है, और जो यात्री आ रहे हैं उनका मार्गदर्शक किस तरह से पुलिस कर रही है, जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते ही हैं लोग, तो उनको किस तरह से सुविधाएं आप लोगों की तरफ से भी प्रोवाइड कराई जाएंगी या फिर क्या कुछ उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? इन सारी पुलिस कर्मचारियों के उपयोग एकमात्र ये है कि सबसे पहले तो यात्रा को सुगम, सहज और सुरक्षित किया जाए, यात्री कुशलतापूर्वक यहाँ से जाए, दर्शन करें और सुरक्षित होकर अपना यातायात समापन करें। यात्रियों के गाइडेंस के लिए जगह जगह पर करीब हमारा 56 के आसपास टूरिस्ट पुलिस बूथ भी बने हैं, जिसमें आपके हमारे पर्यटक पुलिस है, जिसकी वर्दी में ही लिखा है पर्यटक पुलिस उत्तराखंड। वो यदि किसी को कोई आवश्यकता हेल्प की होती है तो वो उनको बताते हैं, किसी आसपास के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी उनको सूचना प्रोवाइड करते हैं। साथ ही देखा होगा आपने, तमाम घटनाएं घटित होती है, वृद्ध लोग हैं, मंदिर में चढ़ नहीं पाते, मैं लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पुलिस के द्वारा उनको भी दर्शन में मदद दी जाती है, ताकि वृद्ध लोगों को या कि उनको अचानक बीमार पड़ जाता है तो उनको गंतव्य या हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम भी हमारे SDRF के उत्तराखंड पुलिस के जवान कर रहे हैं। देखा हो, बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक बिछुड़ जाते हैं तो ऑपरेशन स्माइल है, उसके अनुसार से हम मिलाने का काम भी करते हैं, लोगों के पर्स खो जाते हैं, बैग खो जाते हैं, नकदी खो जाती है, तो देखा होगा 1-1 लाख रुपए का कैश, इस तरह के कई सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जो हमारे यहाँ सूचीबद्ध है, उनको दिया गया और उन्होंने उत्तराखंड पुलिस के सहयोग की प्रशंसा भी की है। सर, अभी आप भी चारधाम यात्रा में गए थे, आपने भी व्यवस्थाएं जांची हैं, किस तरह के दिशा निर्देश भी आपने दिए हैं पुलिस कर्मियों को? अब देखा होगा, जब से चारधाम शुरू हुआ है पिछले कोविड के बाद से, यात्रियों की संख्या में बहुत अकस्मात वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर 56 लाख से रिकॉर्ड एक्सेस किया है संख्या से, और इस बार देखने अभी 15 दिन करीब हो रहे हैं, इसमें भी लगभग 13-14 लाख से ऊपर, 14 लाख से ऊपर आज की संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो इससे जो है हमारे जो धाम की है क्षमताएं सीमित है। अब हर कोई इकट्ठे ही जाना चाहते हैं धाम तक, लेकिन एक साथ कोई जा नहीं सकता है, वहाँ की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, लिमिटेड है। तो इसके लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ, जैसे सबसे पहले यमुनोत्री होके जाते हैं, तो इस बार ये विकास नगर वाला रूट यमुनोत्री जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 70% यात्री हमारे विकास नगर होते हुए डामटा होकर यमुनोत्री तक जाते हैं। तो हमने हरबटपुर में, कटा पत्थर में, डामटा, बरकोट, दोबाटा, पालीगाड़ और जानकी चट्टी, यहाँ पर जगह जगह पर हॉल्टिंग सेंटर बनाए गए, जहाँ पार्किंग की सुविधा है, वाहन की क्षमता निर्धारित है, सबको पता है, वहाँ पर पुलिस बल नियुक्त है, डॉक्टर की टीम है, अन्य विभागों की व्यवस्था के लिए वहाँ पर नियुक्त है। और जैसे ही धाम पर पहुँचते हैं, यमुनोत्री धाम जाते ही, जानकी चट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर है, और जाना आना दर्शन करना, इन टोटल प्रक्रिया में मिनिमम, बहुत फास्ट वॉकर होगा तो 6 घंटे में वो कंप्लीट करेगा, नहीं तो 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद जब वो लौटते हैं तो लगातार एग्जिट की कार्रवाई होती है, जैसे जानकी चट्टी से वाहनों का वापसी शुरू होता है, उसी अनुपात में हम लोग उस तरफ को वाहन बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, हर 1-2 घंटे में उसी अनुसार से, तो धाम में जगह भी बनी रहती है और जाम भी नहीं लगता है, और जो जाम जैसा दिखाई पड़ता है एक्चुअली में जाम नहीं, वो व्यवस्था का एक प्रतीक है। वो इसी तरह से जब आप यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी जगह जगह स्टॉपेज है, नेरो जहाँ पर सिंगल रास्ते हैं, जैसे आपका गंगनानी से लेकर सुखी टॉप तक है,
वहाँ बिल्कुल नैरो रास्ता है, एक तरफ से ही वाहन जा सकता है। तो इसके लिए भी हमने जगह जगह पर एक एक घंटे के अंतराल में एक तरफ को गाड़ी छोड़ी जाती है ताकि कोई भी हादसा ना हो और व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहे। और वहाँ पर भी हॉल्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, उसके अनुसार से धाम से जैसे ही जिस अनुपात में यात्री बाहर निकलता है उसी अनुपात में हम गंगोत्री के लिए भेजते हैं। और जहाँ तक हमारा केदारनाथ धाम के लिए है तो यह ऋषिकेश में हम लोगों ने वहाँ चेकिंग पॉइंट बना रखा है, वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी है। उसके बाद भद्रकाली में चेकिंग होती है कि इस बार देखने में आया बहुत बड़ी संख्या में जाली रजिस्ट्रेशन के प्रकरण सामने आए। लगभग 60 से अधिक मुकदमे अभी तक कायम हो चुके हैं और उनके खिलाफ गिरफ्तारियां, अरेस्टेशन जो भी करना है हम लोगों ने जो वैधानिक कार्रवाई है वो किया है। और लेकिन यात्रियों को हमने एक एविडेंस के रूप में रखा है और उनको धाम तक जाने दिया है इस प्रक्रिया में। तो भद्रकाली से स्क्रीनिंग होके, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है एक्चुअली है या नहीं है, स्कैनिंग करने के बाद फिर हम धाम को भेजते हैं। तो जैसे ही आपका तपोवन क्रॉस करते हैं तो देव प्रयाग, फिर श्रीनगर में बहुत अच्छा हॉल्टिंग पॉइंट है हमारा, वहाँ कई हज़ार गाड़ियाँ एक साथ रुक सकती है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में जो बाईपास वाला एरिया है वहाँ से हम जो केदारनाथ जी के लिए डाइवर्ट करते हैं। वहाँ से आगे हम आगे तिलवाड़ा है, फिर अगस्त मुनि है, फिर काकड़ा घाट, वहाँ तक चौड़ी सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ हम पार्किंग स्थल भी है, हॉल्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ भी यही प्रक्रिया है। क्योंकि आगे जैसे तिलवाड़ा क्रॉस करता कुंड शुरू हो जाती है, कुंड से गौरी कुंड तक बिल्कुल सिंगल रास्ता है। तो गुप्तकाशी, सीतापुर और सोनप्रयाग अंतिम हमारा जहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पार्किंग बनाई गई, यद्यपि भीड़ के हिसाब से वो भी कम प्रतीत हो रही है आज के दिन, फिर भी वहाँ से हमने शटल सिस्टम शुरू कर रखा है। वहाँ से कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ आगे नहीं जाती है गौरीकुंड तक, 8 किलोमीटर का दूरी है ये, और गौरीकुंड तक जाती है, गौरीकुंड से उसी अनुपात में वापस लौटते हैं। तो ये प्रक्रिया शटल सेवा चलती रहती है। और गौरीकुंड से फिर पैदल मार्ग है वहाँ के लिए आपका केदारनाथ जी के लिए, लगभग 19-20 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी है। तो इसको तय करने में 8 से 9 घंटे पैदल मिनिमम लगते ही है। तो धाम में भी हम लोगों ने उसमें लाइनिंग सिस्टम कर रखा है, क्यू सिस्टम है, अभी मास्टर प्लान के तहत बहुत अच्छे सड़कें बन गई वहाँ, हेलीपैड से लेकर धाम तक, और वन वे सिस्टम कर रखा है वहाँ पर भी, जो वहाँ दर्शन करने के बाद एग्जिट से बाहर निकलेंगे, यहाँ भ्रमण करके फिर सीधे वो वापस पैदल आएंगे या वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, ये यात्रियों के ऊपर है। तो लगातार हमारे द्वारा यात्रियों को जो दर्शन है वो सुगमता से हो, सहजता से दर्शन कर सके और सारी यात्रा उनका सुरक्षित हो, ये प्रयास सरकार, उत्तराखंड सरकार का है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार कृतसंकल्प है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि जब चारधाम में यात्री पहुंच रहे हैं तो कई बार जब वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो उनके साथ सर फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो ऐसे में वो शिकायतें भी दर्ज कराते हैं और इस बार भी देखा गया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि इन जो वेबसाइट्स हैं उनको बंद कराने का काम भी कर रही है जो फर्जी है, किस तरह से वो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी थोड़ा जानकारी। हाँ, इसमें पहले काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें इस तरह फर्जिफिकेशन हुआ था, लेकिन इस बार शुरू से ही हम उत्तराखंड पुलिस ने इस तरह के जो साइट्स है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। और पर्यटन विभाग के द्वारा भी हर एक स्टेट को जो रजिस्टर्ड साइट है उसी से रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अपील किया गया। फिर भी अभी तक ये 6 मुकदमे कायम हुए, इसमें कार्रवाई गतिमान है। और आप देख रहे होंगे फर्जी रजिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से कार्रवाई हुई है। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से रील्स इत्यादि बनाने के विरुद्ध भी एक आदेश निकाला था, ताकि उसके पीछे मंशा यह है कि अधिकतम जो श्रद्धालु है मंदिर के सब दर्शन कर सके, अन्यथा मंदिर के आसपास में ही भीड़ रहकर जो श्रद्धालु है उनको दर्शन करने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो इसमें करीब हमारा 100 से ज़्यादा मुकदमे कायम हो चुके हैं वहाँ, और उनके जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान करके फिर बाद में उसके मोबाइल वापस कर दिया जाता है।
सर, टोल फ्री नंबर भी आप लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं कि अगर किसी यात्रियों को कुछ असुविधा होती है तो वो उस पर भी आकर के बता सकता है अपनी समस्या। तो किस तरह के ये नंबर्स भी आप कौन कौन इनमें मॉनिटरिंग भी कर रहा है और यात्रियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? लगातार जब भी इस तरह से कॉल्स आता है ये टोल फ्री नंबर में, तत्काल हमारे जो नियरेस्ट हमारे जो ड्यूटी रत कर्मचारी है उसका फ़ोन नंबर है, उसको इंडिकेट करके वहाँ के चौकी इंचार्ज को पता करके उस जो कंप्लेंट वाले जगह है वहाँ पहुँच के उसकी मदद की जाती है, चाहे आपदा से संबंधित हो या कोई चोरी होने से या मिसिंग होने से किसी भी तरह का है। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसमें हेल्प की है और हमारा तो यही अपील है, क्योंकि लोगों की यहाँ बुकिंग क्या है जून में हुआ है लेकिन अभी से ही चले आ रहे हैं, किस गलत फहमी के कारण हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं यही अनुरोध करूंगा यात्रियों से कि जिस नियत तिथि में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन आए और स्वागत है आपका और बिना किसी परेशानी के आप दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो करण सिंह नगरनियाल आईजी गढ़वाल को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए लगातार पुलिसिंग काम कर रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।